हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे बी 2021 की फाइनल कट ऑफ क्या रही थी ठीक है जो मतलब लास्ट जो स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड उसके अंदर कितने मार्क्स पर सीट अलॉट हुआ था ठीक है लास्ट जो आ, सीट है वो कितने मार्क्स पर अलॉट हुई उस वो, वो अपन डिस्कस करेंगे लेकिन जो आ, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट राउंड हुआ था सेकेंड राउंड हुआ था उनमें कट ऑफ थी वो ज़्यादा आ रही थी बी की ठीक है फिर वो नोटिफिकेशन आया कि इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फीस कम होगी तो उसके बाद में सिनेरियो चेंज हुआ और जो कट ऑफ है वो डाउन हुई बी के लिए तो अपन बात करेंगे लास्ट सीट कितने पर हुई ठीक है फर्स्ट राउंड के हिसाब से तो मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ आई गई थी और कुछ लोगों ने उसको देखते हुए प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लिया था लेकिन बाद में जाते हुए बहुत कम आ गई थी कट ऑफ कितनी आ गई थी कैटेगरी वाइज अपन बात कर लेंगे बी 2021 के अंदर फाइनल कट ऑफ क्या रही मतलब लास्ट सीट जो है वो कितने मार्क्स पर अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी की बात करें जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो जो लास्ट जो सीट अलॉट हुई है वो अराउंड 480 मार्क्स पर अलॉट हुई है 480 मार्क्स मतलब लगभग एक लाख पाँच हज़ार रैंक जिस कैंडिडेट की थी ना उसको कॉलेज अलॉट हुआ है एक लाख पाँच हज़ार वन लैख फाइव थाउजेंड पर तो लगभग जो अप्रोक्स मार्क्स है वो फोर के आसपास मार्क्स जिस कैंडिडेट के थे ना उसको ज, ज, जनरल कैटेगरी के अंदर सीट अलॉट हुआ है बीएमएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ ठीक है फिर बात करें अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की तो जो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी का जो कैंडिडेट है लास्ट सीट जो अलॉट हुई है ना वो हुई है फोर फोर्टी सेवन मार्क्स पर चार सौ सैंतालीस मार्क्स पर क्या हुई है अलॉट हुई है सीट ठीक है बी एम एस के अंदर गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ मैं जो स्पेशल स्टे वेकेंसी राउंड हुआ है उसके अंदर ये कट ऑफ आई है जो लास्ट सीट है ना इस मार्क्स पर अलॉट हुआ है जो कि दो हजार बीस से जो है वो बहुत कम है ठीक है फर्स्ट और सेकंड राउंड का देखें तो बहुत ज्यादा थी कट ऑफ और मतलब मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा कम कट ऑफ रहेगी लास्ट राउंड तक लेकिन फिर वो जो नोटिफिकेशन आया उस वजह से सारा सीनियर चेंज हुआ फिर बात करें अपन ओ कैटेगरी की ओ कैटेगरी की बात करें तो कितने मार्क्स पर अलॉट हुआ सीट फोर पर चार मार्क्स पर ठीक है फोर हंड्रेड फोर्टी थ्री मार्क्स जिस कैंडिडेट के थे ना उसको सीट अलॉट हुआ है गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ है ओबीसी कैटेगरी के, के अंदर चार सौ मार्क्स पर फिर बात करें अपन एससी कैटेगरी की एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो जो लास्ट जो तो सीट अलॉट हुआ है ना गवर्नमेंट जो तो सीट अलॉट हुआ है वो हुआ है थ्री थर्टी मार्क्स पर तीन सौ तीस मार्क्स जिस कैंडिडेट के थे ना उसको सीट अलॉट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज मिला उसको ठीक है फिर बात करें अपन एसटी कैटेगरी की एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसको जो लास्ट सीट अलॉट हुआ है वो 175 मार्क्स पर अलॉट हुआ है 175 मार्क्स पर लास्ट कॉलेज लास्ट जो सीट है वो मिल गई थी मतलब लगभग लग सात लाख रैंक पर सात लाख रैंक पर सीट uh, अलॉट हुआ है एस टी कैटेगरी के अंदर जबकि फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर ऐसा लग रहा था कि ये uh, दो लाख बीस हज़ार में नहीं पहुंचेगी ये रैंक उससे पहले पहले ही कॉलेज सीटें सारी खत्म हो जाएंगी लेकिन सारा सीनरी चेंज हुआ और सात लाख पर एस टी कैटेगरी को सीट अलॉट हुई है तो ये मैंने बताई आपको बी के लिए दो की जो फाइनल कट ऑफ रही है ना फाइनल कट ऑफ है ये जो कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो हुआ था ना उसके अंदर ये वाली कट ऑफ आई है ठीक है स्पेशल स्ट्रै वैकेंसी राउंड के अंदर तो यही थी बीएमएस की जो फाइनल कट ऑफ है ये मैंने ऑल इंडिया कोटा की बताई है ठीक है ये मैंने ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ बताई है आपको अगर आपको स्टेट वाइज जाननी है ना स्टेट वाइज स्टेट वाइज जाननी है तो आप कमेंट कर दो अपने स्टेट का नाम आपको मैं स्टेट वाइज भी 2021 की फाइनल कट ऑफ क्या रही थी वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा उस पर तो अपना स्टेट का नाम कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो मिल जाएगी उसपे और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच